कब से तेरे को देख रहा हूँ, तू कहाँ था? खाता? कौन सा खाता? अरे कहाँ था? खाना खाया सबने? गाना? गाना तो किसी ने गाया नहीं साहब। ऐसे कौन गाने वाले हैं साहब? चुप मुरा। अरे मेरी बेटी आने वाली है, थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं नेताजी, हम भी इसी वजह से रुके हुए हैं। हाँ हाँ, किरण बिटिया को बहुत छोटा देखा था, मिलकर ही जाएंगे। हाँ। वैसे शादी वादी का अभी कोई विचार तो नहीं होगा ना? अभी तो वो पीएचडी कर रही है, उसके नाम के आगे एक बार डॉक्टर तो लगने दो, फिर सोचेंगे। मैं भी तो सुनो भाई, कौन सी डॉक्टरी पढ़ रही है मेरी भतीजी किरण? लो, जैसे इन्हें मालूम ही नहीं है। सबसे पहले तुझ पर रिसर्च करवाऊंगा। मुझे मालूम था तू बचपन से मुझे पागल समझता है। हाँ, इसलिए उसको पागलों का डॉक्टर बना रहा हूँ। लो वो आ गई। देखो ये है मेरे दोस्त की बेटी के संस्कार। अरे बेटी किसकी है? पापा ये मेरी फ्रेंड गीता है, इसे अभी अभी पुलिस में इंस्पेक्टर की रैंक मिली है। ओहो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और ये जानकर और खुशी हुई कि तुमने भी किरण की तरह समाज को ठीक करने का हौसला दिखाया है। पापा इसका तो बचपन से इंस्पेक्टर बनने का सपना था, जो अब जाकर साकार हुआ है। तुम दोनों के इरादों ने एक बात जाहिर कर दी है कि मंजिल के राहों पर एक ऑटो जरा संभल कर आना। कदम किरण और गीता के है, कहीं भूल न जाना। भाई कमलनाथ, हौसला बढ़ाना तो कोई आपसे सीखे, और मुंह मीठा कराना हमसे मक्खन लगा के। वाह गुल्लो, पहली बार समय पर आया है। खाया है? मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। पापा आज पहली बार गुल्लू समय पे आया है। ओ, हमारी इतनी तारीफ सुनकर हमको लगता है ये सब हम ही खा ले मक्खन लगा के। गुल्लो, हमारे कहने का मतलब है हम पहले मेहमानों को खिला दें, उसके बाद अपने बारे में सोचेंगे मक्खन लगा के। Am I right, मैम साहब? Right. Right. तो साहिबान कदरदान, किरण मैम साहब के आने की खुशी में आप सभी लोग अपना सब कुछ मीठा करें मक्खन लगा। Thank you so much for this compliment, पापा, thank you. गर्मा गरम चाय मक्खन लगा के साथ। और ये गर्मा गरम बिस्किट मक्खन लगा के। हाँ, थैंक यू। अभी तक किरण बेटी सो रही है? किरण बेटिया रो रही है, लेकिन क्यों साहब, आपने तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है मक्खन लगा के। तुमसे तो भगवान ही बचाए भाई। भगवान को खाना खिलाए? अरे साहब, भगवान को खाना खिलाने की काहे जरूरत है? अरे भगवान तो कभी खाना मांगते ही नहीं। गुलू जी, भगवान खाना नहीं मांगते, लेकिन हम तो चाय मांग रहे हैं ना। अभी लाया अभी। लेकिन आप तो रो रही थी। रो रही थी? हाँ हाँ बेटी, आप तो रो रही थी। जा, तू चाय लेके आ जा। हाँ, अभी लाया गर्मा गर्म चाय। हाँ, मैं रो रही थी, लेकिन अब चाय मिलेगी ना, इसीलिए रोना कैंसिल। चाय गर्मा गर्म चाय, चाय लो चाय गर्मा गर्म चाय। गुल्लू के सुंदर हाथों से बनी हुई गर्मा गर्म स्पेशल चाय मक्खन लगा के। शुक्रिया। वैसे मैम साहब, क्या आप हमारा इलाज कर सकती हैं? हाँ हाँ, तू जल्दी से पागल हो जा, फिर तेरा इलाज मेरी बेटियां करेगी ना। इसके लिए पागल होने की क्या जरूरत है? पागल को पागल होना क्या जरूरी है, क्यों किरण? क्या पापा, आप भी? अरे हाँ, एक पागलपन से याद आया, मेरे एक दोस्त का मेंटल हॉस्पिटल है, मैंने तुम्हारे लिए बात भी की है, तुम वहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। सच? पापा यू आर सो क्यूट। आप जितना पैसा मुझको देती हैं, मैं उन सारे पैसों का फ्रूट खरीद कर आपके पागल भाई, सॉरी 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 सॉरी, आपके भाई को खिला देता हूँ। अब उसकी उसकी सेहत नहीं बन रही है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अपना खून तो नहीं पिलाऊंगा। ठीक है, आप एक काम करिएगा, पैसों का इंतजाम करिए, मैं खून का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
जी कहिए, किसे मिला आपको? मिस्टर आचार्य जी कहाँ मिलेंगे? गलती से लोग मुझे ही आचार्य जी कहते हैं। मतलब यहाँ के सबसे बड़े पागल आप ही है मक्खन लगा के? ए, मिस्टर ये क्या बदतमीजी है? गुल्लू, आई एम सॉरी आचार्य जी, एक्चुअली मुझे कमलनाथ जी ने भेजा है, मैं उनकी बेटी किरण हूँ। तो आप डॉक्टर किरण हैं? जी। जो हमारे हॉस्पिटल में पागलों पर रिसर्च करना चाहती हैं? वो आपकी नज़र में पागल हो सकते हैं, पर मेरी नज़र में वो भी इंसान ही है, और मुझे तो लगता है कि शायद वो हमसे भी ज्यादा मासूम है। अजी अपनी अपनी सोच है, आप कुछ दिन उनके साथ रहेंगी तो आप भी पागल हो जाएंगी। ऐसा आपको लगता है, पर ऐसा है नहीं। वैसे आप उनसे पहले मिला तो दीजिए, फैसला बाद में कर लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलिए मिलवाते हैं उनसे। आइए आइए ना मैडम, आइए। संभालो। वो देखिए, ये है हमारे यहाँ के सबसे मासूम इंसान। मैडम, इसने अपने 7 भाइयों का खून किया है और पागल बनके हमारे पागल खाने में आए। देखिए देखिए इसको, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, फैसला आपका। देखिए मैडम, यहाँ पागलों की कमी नहीं है, आप एक ढूंढेंगी यहाँ आपको 11 मिलेंगे। वैसे भी अभी भी आपके दिमाग में इनके लिए भ्रम बना हुआ है, टूट चुका है। कौन कहता है यहाँ रहते इंसान है, है जहाँ प्यार वहाँ रहते भगवान है। कौन कहता है यहाँ रहते इंसान है जहाँ प्यार वहाँ रहते भगवान है। घर ये नहीं किसी मंदिर से कम, घर ये नहीं किसी मंदिर से कम। राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम, राम कसम बड़े भाग्यशाली हैं हम। तुम्हारा नाम क्या है? दीदी इनका नाम जीजा जी है। ए पागल है क्या, जीजा जी को नाम होता है? ए तेरा असली नाम बता मक्खन लगा के। मेरा नाम तो जीजा जी ही है, पर तेरा नाम क्या है? अमरूद के छिलके? अमरूद के छिलके? मैम साहब, ये हमको अमरूद के छिलके बोल रहा है मक्खन लगा के। मेरा नाम किरण है और इसका गुल्लू। उल्लू? अरे वाह, उल्लू उल्लू तू, तेरा बाप तेरा पूरा खानदान।